नमस्कार, आप सभी को बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी आप सबको पता है हाल ही में चुनाव जितने भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अभी काफ़ी सारे एग्जिट पोल देखने को मिले हैं, तो जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से और जानेंगे सारी सारी खबरों को एक एक करके, तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। उससे पहले जान लेते हैं कुछ सुर्खियाँ। जी हाँ, LPG गैस जो थी उसके अंदर कुछ आपको बदलाव देखने को मिले हैं, यानी कि 1 जून से आपको पता कुछ बदलाव हुए हैं, तो उसी के बारे में आपको बताएंगे। उसी के बाद बताएंगे कि DL जो स्कूल था उसके लिए सर्टिफिकेट लेना था, जो ड्राइविंग टेस्ट था उसमें आपको क्या छूट मिलेगी। उसी के बाद बताएंगे अगर UPSC या नीट की परीक्षा करना चाहता है कोई तैयारी तो कैसे कर सकता है निःशुल्क तैयारी, और जिला प्रशासन की क्या है बड़ी कार्रवाई जिससे हज़ारों लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। और उसी के बाद जान लेंगे यूपी के चुनाव की एग्जिट पोल, यानी कि किसकी सरकार ने बना रखा है अपना दबदबा। चलिए शुरू करते हैं सारी खबरों को विस्तार से। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, चुनाव के दिन तोहफा, LPG सिलेंडर गैस हुआ सस्ता, दिल्ली से कोलकाता तक बदले रेट। आपको बता दें 1 जून से दिल्ली के अंदर LPG सिलेंडर की रेट 69.50 रुपए हो गई है, कोलकाता में 72 रुपए, मुंबई में 69.50 रुपए और चेन्नई में 70.50 रुपए सस्ता मिल रहा है LPG गैस सिलेंडर। आपको बता दें घरेलू LPG गैस सिलेंडर पुराने रेट पर ही मिलेंगे, ये सारे के सारे वो हैं जो कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, यानी जो दुकानों में या फिर व्यापार में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर DL न्यूज़ के बारे में। आपको बता दें क्या ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने पर ड्राइविंग टेस्ट से मिल जाएगी छूट, केंद्र ने किया है साफ। आपको बता दें केंद्र सरकार ने 1 जून से चालक लाइसेंस जारी करने के नियमों में कथित बदलावों के बारे में हाल ही मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में एक स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों यानी कि एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर यानी कि ADTC और अन्य ड्राइविंग स्कूलों को कंट्रोल करने वाले नियमों और विनियमों के इर्द गिर्द घूमता है। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया कि 1 जून 2024 से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, हजारों लोगों के राशन कार्ड हुए रद्द। आपको बता दें अगर आप भी सरकारी कर्मी और गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं और इसके बावजूद आपने राशन कार्ड बनाया है या राशन कार्ड बनवाकर राशन का लाभ ले रहे हैं तो आप पर भारी पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें सीतामढ़ी जिला प्रशासन फर्जी राशन कार्ड धारकों के प्रति काफ़ी सख्त हो गया है और वैसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो सरकारी नौकरी भी करते हैं और इसके बावजूद राशन ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल करीब 17,000 से ऐसे अधिक लोग हैं जिनको राशन कार्ड की जाँच कर रद्द कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी। जी हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो क्योंकि ये गलत है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, यहाँ UPSC और नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए 10 जून तक करें आवेदन। अगर आप भी UPSC का सपना है या फिर नीट की परीक्षा को पास करना चाहते हैं, कोचिंग के लिए आपके पास में पैसा नहीं है, महंगी कोचिंग में जा नहीं सकते, तो आप निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप अपना सपना पूरा कर सको। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो शहर के ड्रम्ड राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पीलीभीत और गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से अबुद्ध क्लासेस संचालित की जा रही है। जी हाँ, ड्रम्ड कॉलेज में UPSC, UPSC, नीट और पूरनपुर में SSC और UPSC की तैयारी की ये सभी कोर्स निःशुल्क में करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर एक बार पोस्ट करके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गर्मी वेव हीट वेव से लेकर 4 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी। आपको बता दें भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में गर्मी और हीट वेव को लेकर 4 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। अलीगढ़ मंडलायुक्त अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। और अच्छे से पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पोस्ट करके पढ़ लो, ये जितने भी नंबर हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे आप इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी से बीमारी से बचने के लिए क्या करें, स्वच्छ पानी पिएं, सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथ धोकर ही भोजन करें, पेट दर्द और बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। चलिए बात करते हैं अब UP के एग्जिट पोल के बारे में। UP में BJP का दबदबा, NDA को 67 और 72 जबकि सपा कांग्रेस को 8-12 सीटें।
जी हाँ, ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है और एक टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी के एग्जिट पोल नंबर आ गए हैं। ज़्यादातर सर्वे में बीजेपी का दबदबा है वो कायम दिख रहा है। एनडीए को अधिकतम 72 जबकि सपा कांग्रेस को 18 सीट मिल सकती है। बाकी तो आने वाले पता चलेगा, लेकिन ये तो एक एग्जिट पोल है, देखेंगे क्या होता है। बाकी आप अपना विचार अगर मुझे देना चाहो तो कमेंट में एक बार बता सकते हो। जी आपको बताएं तो अगर उसी के बाद चाणक्य एग्जिट पोल क्या कहता है। भाजपा को बढ़त, सपा कांग्रेस के सपने हुए चूर, बसपा की किस्मत फूटी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल से राजनीतिक दलों के दावों और उनके आंकड़ों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। देखते हैं क्या होगा। आप किस तरफ जाना चाहते हैं या आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट्स में बताइएगा किसकी जीत दिख रही है आपको। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी वकीलों के लिए बीमा योजना बनाने पर करें विचार, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की सलाह। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह सरकारी वकीलों के लिए बीमा योजना बनाने पर विचार करे। इसके पूर्व न्यायालय ने पूछा था कि सरकार के पास हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों के लिए ऐसी कोई चीज़ है या नहीं, ऐसी कोई योजना जिससे दुर्घटना यदि आदि की स्थिति में उनकी आर्थिक मदद की जा सके। तो इसके लिए भी विचार चल रहा है और आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि सरकारी वकीलों को भी कुछ बीमा योजना दी जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के वेदर अपडेट के बारे में। यूपी में गर्मी का भीष्म प्रकोप, 54 और लोगों की मौत, कई जिलों में लू का कहर। बारिश को लेकर खुशखबरी, आपको बता दें बुंदेलखंड व मध्य यूपी में शनिवार को ग्रीष्म लहरी जानलेवा साबित हुई। भीषण लू ने बीते 24 घंटों में यूपी में 33 मतदान कर्मियों समेत 54 लोगों की जान ले ली और इनमें सर्वाधिक 10 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, मौसम का काफ़ी बड़ा प्रकोप है, तो बच के रहिएगा, घर में रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। लू को लेकर राहत कार्यों में तेजी लाएं, पीड़ितों को दे मुआवजा। भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी का अफसरों को आदेश। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए। संवेदनशील जिलों पर नजर रखी गई, जो संवेदनशील जिले हैं उन पर नजर रखी जा रही है। लू या गर्मी से प्रभावित होने के लिए उनके जो परिजन हैं उनको 24 घंटे में मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। लू या गर्मी से जान हानि और पशु हानि न हो, इससे लिए विशेष समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राहत कार्यों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को हर हफ्ते में दी जाए। ऐसा कुछ हुआ है यूपी के अंदर, और पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो और डिटेल में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में पंचायती राज विभाग की नई व्यवस्था, चेहरा देखकर ही खुलेंगे पंचायत के कंप्यूटर। जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूपी में पंचायती राज विभाग की नई व्यवस्था हो गई। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव के घर पर या उनके किसी अन्य ठिकाने पर पंचायती राज विभाग के कंप्यूटर काम नहीं करेंगे। वो जब उस कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तभी उनका फेस से ही वो कंप्यूटर ओपन होगा। और इससे देखा जाए तो हर दिन अब लोगों को काम करने के लिए या फिर कर्मचारियों को काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यू नोएडा, नया नोएडा पर अब एक और बड़ा अपडेट। 5% में बसाया जाएगा सुंदर शहर, मास्टर प्लान को जल्दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी और बुलंदशहर के गांव की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान को अगले 2-3 महीने में मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इसमें हो सकता है आने वाला नया नोएडा और शानदार होने वाला है। जी हाँ, देखेंगे बाकी आने वाले समय में कैसा रहता है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिजल्ट से पहले ठंडाई पी लें, सीएम योगी ने वोट देने के बाद विपक्ष पर कसा तंज। आपको बता दें LS24 के तहत 7वें चरण के जो मतदान है वो जारी हो चुके हैं, जिसमें सीएम योगी ने सुबह 7 बजे पुराना गोरखपुर स्थित नगर क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्या के बूथ संख्या 230 पर पहुंचकर अपना मतदान किया। उन्होंने अपना मत दे दिया है। अब उसके बाद एग्जिट पोल के भी नज़ारे मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। मतलब आने वाला समय ही बताएगा किसका क्या परिणाम आएगा। बाकी आप अपना विचार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण सारी की सारी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।